मोटी बुद्धि की बहू। राधा दिखने में बहुत सुंदर थी, सबका ख्याल रखती थी और घर के सारे काम भी कर लेती थी, लेकिन उसके अंदर बुद्धिमानी थोड़ी कम थी। उसे किसी भी बात को समझने में और लोगों की तुलना में वक्त कुछ ज़्यादा ही लग जाया करता था। इसकी वजह से कमला जी कभी कभी अपनी बहू से बहुत परेशान हो जाती थी। कमला जी का बेटा यानी कि राधा का पति महेश भी राधा से इस बात पर बार बार चिढ़ जाता। एक दिन शाम के वक्त, राधा सुनो, टेबल पर कुछ गंदा सामान रखा है, उसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर दोगी ना? जी बिल्कुल, जैसा आप कहें। मैं क्या कभी आपको मना करती हूँ? अरे बहू, लेकिन पहले ठीक से देख ले, कहीं कोई ऐसी चीज ना हो जो धोने वाली ना हो। मम्मी जी क्यों चिंता करती हैं, मैं सब कुछ देख के संभल कर ही करूंगी। राधा जल्दी से जाती है और टेबल पर रखी सारी चीजों को रगड़ रगड़ कर धो देती है। कुछ देर के बाद, अरे ये तुमने क्या किया, टेबल पर रखा हुआ लैपटॉप भी धो दिया? हाँ, आपने ही तो कहा था ना टेबल पर रखी सारी चीजें धो देना। अरे बहू, लेकिन लैपटॉप भी कोई धोता है क्या? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता धोने से लैपटॉप खराब हो जाता है? तभी तो मैं इसे मोटी बुद्धि की बहू कहती हूँ। काम तो सारा करवा लो, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना इसे कुछ नहीं पता। लेकिन मम्मी जी, इनका लैपटॉप बहुत गंदा हो रहा था, उस पर खूब सारी मिट्टी भी जमा हो रखी थी। अरे लैपटॉप के ऊपर मिट्टी जमा हो रखी थी तो तुमने उसे अच्छी तरह धोकर बाहर तार पर सुखा दी। ऐसा कोई करता है क्या? सही कहती है माँ, मोटी बुद्धि हो तुम, मोटी बुद्धि। लो कर लो बा, एक दो दिन से सारा काम करके दिया, अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ कर दिया और ऊपर से कहते हो कि मोटी बुद्धि हो। एक दिन राधा सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए गई। जाने से पहले उसने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी जरा बता दीजिए ना क्या क्या सब्जियां लेकर आनी है, फिर मैं कुछ उल्टा सीधा ले आऊंगी और आप मुझे मोटी बुद्धि वाली बहू कहकर बुलाएंगी। देख बहू, भिंडी लौकी और आलू लेकर आना, और हाँ खीरा जरूर ले आना, महेश को बहुत पसंद है। ठीक है मम्मी जी, जो जो सब्जियां आपने कही है सारी की सारी ले आऊंगी। अच्छा सुनो बहू, वो बाजार में दो तरह के खीरे आते हैं, एक देसी वाला एक चाइनीज वाला। हाँ तो मम्मी जी कौन सा वाला लाना है? चाइनीज वाला थोड़ा नरम होता है तो महेश को बहुत पसंद है, देसी खीरा वो खाता ही नहीं। राधा सब्जी लेने के लिए सब्जी वाले की दुकान पर जाती है और सब्जी वाले से खीरा मांगती है। भैया जी चाइनीज खीरा दे दीजिए ना, पूरा एक किलो दीजिएगा, हमारे इनको ना ये वाला बहुत पसंद है। लेकिन तभी सब्जी की दुकान पर खड़े हुए दो लोगों को बातें करते हुए सुनती है। अरे भाई तुमने सुना, हमारे देश में चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार हो रहा है। सही कहते हो भाई, चाइना की बनी हुई चीज़ों को हमें खरीदना नहीं चाहिए, अरे इन लोगों ने हमारे देश में तबाही मचा रखी है। ये सुनते ही राधा ने सब्जी वाले से कहा, देखो भैया वो चाइनीज वाला खीरा मत देना। ठीक है बहन जी, देसी वाला दे देता हूँ। कुछ देर बाद राधा सब्जियां लेकर घर लौटती है। क्या हुआ बहू, चाइनीज खीरा नहीं था क्या बाजार में जो ये वाला लेकर आ गई? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने सोचा कि हम लोगों को भी अपने देश की भलाई का काम करना चाहिए। अब खीरा खरीदने में देश की भलाई कैसे होगी, जरा हमें भी समझाओ। अरे मैंने दो आदमियों को बातें करते हुए सुना था, बोल रहे थे कि चाइना की बनी हुई चीजों को काम में नहीं लेना चाहिए। हाँ तुम्हारी बात तो सही है, चाइना की बनी हुई चीजों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अरे पर इसका खीरे से क्या लेना देना? अरे मम्मी जी चाइनीज खीरा मतलब चाइना का बना हुआ खीरा, तो मैंने सोचा मुझे इसे नहीं खरीदना चाहिए। हे भगवान, अरे इतना तो दिमाग चलाती, हमारे देश में मिलने वाला खीरा कोई चाइना से थोड़ी ना आता है, सब्जी वाला क्या रोज चाइना जाकर खीरा खरीदता है? अरे बहू, चाइनीज खीरा उसका सिर्फ नाम है, उगता तो वो हमारे देश में ही है, तू भी ना कमाल करती है कभी कभी। सही कहती है मम्मी जी, बाकी सब ठीक है, लेकिन राधा सच में है तो मोटी बुद्धि। बेचारी राधा सबके मुंह से खुद के लिए मोटी बुद्धि सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन अपने सीधे सादे स्वभाव की वजह से वो किसी से कुछ नहीं कहती, चुपचाप सब काम करती रहती है।
सब लोग उसे थोड़ा सा बेवकूफ भी समझते हैं, लेकिन असल में राधा दिल की बहुत अच्छी थी। और फिर एक दिन अचानक से कमला जी की तबीयत बिगड़ जाती है। ये अचानक क्या हो रहा है, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बहु राधा, जरा इधर तो आओ। क्या हुआ मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? अचानक आपकी तबीयत को क्या हुआ? लगता है मुझे दिल का दौरा पड़ा है बहू, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा मत कहिए मम्मी जी, ये तो भी घर पर भी नहीं है, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे जल्दी से अस्पताल ले चल, बहुत दर्द हो रहा है बहू। ठीक है मम्मी जी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ी देर लगेगी, एक काम करिए, तब तक आप ये वाली दवा खा लीजिए। लेकिन बहू, ये दवाई किस चीज की है? खा लीजिए मम्मी जी, मुझ पर भरोसा कीजिए। कुछ देर बाद महेश और राधा कमला जी को अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं। क्या आप में से किसी ने इनको कोई दवाई दी है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो कोई दवाई नहीं दी। डॉक्टर साहब, मैंने मम्मी जी को एक दवाई दी थी। राधा, तुमने डॉक्टर से बिना पूछे मम्मी जी को दवाई दे दी? मैं क्या करती, मम्मी जी को बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा उनको दर्द की दवाई दे देती हूँ। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा दर्द नहीं था मैडम, ये हार्ट अटैक था, कुछ भी हो सकता है। देखो राधा, तुम्हारी मोटी बुद्धि की वजह से आज मम्मी जी की जान चली जाती, तुम्हें जरा तो सोचना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, आप अपनी पत्नी को बेकार में ही डांट रहे हैं, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। क्या मतलब डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो है ना? आपकी माँ बिल्कुल ठीक है, और वो भी उस दवाई की वजह से जो इन्होंने उनको दी थी। अगर उस वक्त इनको दवाई नहीं मिलती तो वो बच नहीं पाती। ये आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरी पत्नी को तो इतनी अकल ही नहीं है कि वो किसी को हार्ट अटैक की दवाई दे सके। आप मुझे बताइए राधा जी, आपने क्या सोचकर अपनी सास को दवाई दी थी? वो क्या है ना डॉक्टर साहब, मम्मी जी को बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा मम्मी जी को सर दर्द की दवाई दे देती हूँ। देखा डॉक्टर साहब, मैंने कहा था ना मेरी बीवी एकदम मोटी बुद्धि की है, वो तो भला हुआ कि माँ को कुछ हुआ नहीं। आपकी माँ को कुछ हो भी नहीं सकता था, क्योंकि आपकी बीवी ने जो गोली दी थी वो खून पतला करने की दवाई थी, इसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आते आते रुक गया। आपको आपकी पत्नी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे माफ कर दो राधा, मैं और मेरी माँ तुम्हें हमेशा मोटी बुद्धि कहते रहे, लेकिन आज तुम्हारी इस मोटी बुद्धि की वजह से मेरी माँ की जान बच गई। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो।